लोग बैंक से अपने निजी कार्यों के लिए अक्सर लोन लेते हैं। कई जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के लोन्स बैंक द्वारा दिए भी जाते हैं। बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर बनवाना या फिर पैसों का अन्य कोई काम, तो लोग बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं। बैंक की ओर से हर जरूरत के हिसाब से लोन दिया भी जाता है। बैंक कार लोन्स, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, होम लोन इत्यादि अलग अलग ब्याज दर पर उपलब्ध भी कराता है। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या बैंक कर्ज माफ कर देता है या फिर उसके वंशज किसी कानूनी लफड़े में फंस जाते हैं। आज हम इसी तरीके के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। कई लोगों का सोचना होता है कि लोन लेने वाले व्यक्ति की असामयिक मौत हो जाने पर बैंक उसका कर्ज माफ कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि ये मानना बिल्कुल गलत है। किसी की मृत्यु से बैंक को कोई लेना देना नहीं रहता। बैंक किसी भी हालत में अपना पैसा वसूल कर ही लेता है। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उसकी मौत हो गई, तो उसके संपत्ति के उत्तराधिकारी को वो लोन चुकाना पड़ता है। अगर व्यक्ति का उत्तराधिकारी लोन नहीं चुका पाए तो बैंक कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। बैंक के कर्ज से ज्यादा की संपत्ति होने पर इस स्थिति में नीलामी से मिले पैसे को कानूनी वारिस को वापस भी कर दिया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाता है तब उसे टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। लोन को सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवा चुका है और उसकी मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनी बैंक का लोन चुकाती है, अगर व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो बैंक कानूनी वारिस को दो ऑप्शंस देती है। वो चाहे तो वन टाइम सेटलमेंट करा ले या फिर लोन अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकता है जिसे वे बाद में चुका सकता है। अगर कोई व्यक्ति लोन पर गाड़ी लेता है तब उसकी मौत के बाद सबसे पहले उसकी गाड़ी जब्त की जाती है, गाड़ी की नीलामी होती है। अगर उसका पैसा वसूल हो जाए तब तो ठीक है, वरना पैसे वसूल करने के लिए मृतक की दूसरी संपत्ति जैसे कि घर, जमीन आदि को भी बैंक बेच देता है। पर्सनल लोन लेने पर बैंक नॉमिनी तय करने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में कर्जदार की मृत्यु के बाद उसके वारिस को पैसे चुकाने होते हैं। पर्सनल लोन अक्सर इंश्योर्ड लोन होता है। लोन लेने के साथ व्यक्ति ईएमआई की रकम के साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरता है। ऐसी स्थिति में कर्जदार की मौत के बाद बचा हुआ लोन बीमा कंपनी से वसूल किया जाता है। पर्सनल लोन की तरह बिजनेस लोन भी होता है। कर्जदार से पहले ही इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि अगर उसका बिजनेस डूब भी जाए या व्यक्ति की मौत हो जाए तब वो अपना कर्ज बीमा कंपनी से वसूल कर सके। अगर आपने बिना इंश्योरेंस करवाए बैंक के ट्रांजैक्शंस को देखकर बिजनेस लोन ले लिया है तब ऐसी स्थिति में आपसे कर्ज की रकम के बराबर संपत्ति को गिरवी रखना होगा ताकि आपके बिजनेस डूब जाए या फिर अगर आपकी मौत हो जाए तो कंपनी अपनी रकम वसूल ले। आप देख रहे थे लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।